सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। मेरी तो एकदम मज़े में, एकदम सेफ हो गए अपने घर पे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आज आप टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको कुछ नॉलेज वाली वीडियो देने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं दिल्ली सिविल डिफेंस एज अ वॉलंटियर हूँ। तो आप भी मेरे चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब कर रखा है, काफ़ी लोग मेरे को देखते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर, तो उनको काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि हम जो ड्यूटी करते हैं, जो हमारी पेड ड्यूटी होती है, तो उसकी जो अटेंडेंस शीट होती है उसको हमें कैसे फिल करना है और कैसे सबमिट करना है और कहाँ पर सबमिट करना है। तो ये चीज़ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो टिल द एंड तक देखना इस वीडियो को, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आपको मैं अटेंडेंस शीट दिखा देता हूँ एक्चुअल में। सो फ्रेंड्स, अभी आप ये देख सकते हो अटेंडेंस शीट, जो कि कंटेनमेंट जोन की होती है COVID-19। जैसे आप ऊपर पढ़ भी सकते हो, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंट्रोलर CD वेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सिविल डिफेंस, राजा गार्डन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो हमारा SDM ऑफिस है, DM ऑफिस है रजौरी गार्डन में, वहाँ की अटेंडेंस शीट है ये। क्योंकि मेरा जो डिवीज़न है 132 तिलनगर, तो मेरा SDM रजौरी गार्डन पे ही पड़ता है। और यहाँ पे आपको अटेंडेंस शीट कैसे भर रहे हैं, मैं उसका आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे करना है। आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो कि अटेंडेंस ऑफ द COVID-19 ड्यूटी, प्लेस ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपने कहाँ ड्यूटी करी कंटेनमेंट जोन में, यहाँ पर लिखना है आपको किस जगह पर। जैसे आप कहीं भी रहते हो, उसकी लोकेशन आपको एड्रेस लिखना है। और उसके साथ आप देख रहे हो डेट फ्रॉम, यानी कितने दिन तक करी, यानी जैसे 1 जून है, 1 जून से लेके या 15 जून तक, 15 दिन आपका कंटेनमेंट चला तो 15 तारीख क्या लिख दोगे आप, ठीक है। अगर बीच में भी आपने कोई ड्यूटी करी तो आप 15 ना लिख कर आप वो डेट लिखना जहाँ पे आपका कंटेनमेंट ख़त्म हुआ, जिस दिन भी लास्ट। और ये है, देन नेक्स्ट आपको आना है यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। अपना नाम लिखोगे और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, देन एनरोलमेंट नंबर, यानी कि जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो। और उसके बाद आपकी ये 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, यानी कि हाँ 31 तारीख तक अटेंडेंस है। जितने भी दिन आपने ड्यूटी करी है, तो आपको दो साइड साइन करनी है, यानी कि यहाँ पे ऊपर, जैसे कि आपका नाम कुछ भी है तो यहाँ पे साइन करने ऊपर और नीचे, क्योंकि आपका जब ड्यूटी ऑन होती है तब और ड्यूटी जब ऑफ होती है तब, तो दो साइड के साइन। और देन जैसे भी आपका यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा, डेली साइन करने जब तक आपकी ड्यूटी चल रही है। और उसके बाद आपको सिंपल सा अटेंडेंस फिल करके आपका एक सी फॉर्म और बैंक डिटेल की फोटोकॉपी, ये तीन चीज़ें स्टेपलर करके SDM ऑफिस में सबमिट करनी होती है, जो कि मंथ एंड में, जैसे कि आज 31 तारीख है तो 30 तारीख को सबमिट करनी होती है ये अटेंडेंस शीट आपके अपने वार्डन्स को, जिससे कि आपकी फिर सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। एक और चीज़ फ्रेंड्स, ये आपको अटेंडेंस शीट आपके जो वार्डन्स हैं वो ही देते हैं आपको व्हाट्सअप। पहले तो क्या होता था कि पहले मिलती थी ये, अब हमको फोटोकॉपी खुद करानी पड़ती है। ये आपको व्हाट्सअप पे भेज देंगे, आप बाहर से प्रिंट आउट निकलवा के 10-15-20 शीट ऐसे घर पे रख लो, जिससे कि आपकी कहीं भी ड्यूटी लगेगी तो आपको ईजिली आप फिल करके सबमिट कर पाओगे। सो आई होप गाइज, आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई होगी, क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमको अपनी अटेंडेंस शीट फिल करनी है, और ये आपको सबमिट करनी होती है मंथ के एंड में, जब भी आपकी ड्यूटी ख़त्म हुई है तभी आपको जाके अपने SDM ऑफिस में जाके सबमिट करनी होती है, अपने वार्डन्स को देनी होती है, फिर आपकी सैलरी कुछ समय में आ जाती है आपके बैंक अकाउंट में। और हाँ गाइज, एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक की डिटेल्स और सी फॉर्म साथ में लगाना मत भूलना। अटेंडेंस के साथ अपनी बैंक डिटेल और सी फॉर्म ज़रूर लगाया करो, जिससे कि आपकी सैलरी टाइम, मतलब कि एक सही अकाउंट पे पहुंच सके। जिससे कि काफ़ी लोगों की देर सैलरी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उनका बैंक अकाउंट गलत होता है या मर्ज हुआ होता है, तो उनकी सैलरी लेट हो जाती है कभी कभी। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट करो चैनल को, और मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।